तो ये जी होटल जहाँ पे हम रुके हैं, आउटर व्यू दिखा रहा हूँ आपको। ये है जी इनका जो डाइनिंग एरिया है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रॉम स्कीबा। रात को कंफर्टेबल स्टे रहा, रात को मैं आपको रूम नहीं दिखा पाया था, एक्चुअली थोड़ा अनपैकिंग करने में, सामान जचाने में गाड़ी में टाइम लग गया था, उसके बाद रूम पे आए बस सो गए, उसके बाद थक गए थे काफ़ी। तो अभी सुबह के बज रहे हैं लगभग 6:15, चाय का ऑर्डर किया है और आसपास के नज़ारे आपका शेयर कर देता हूँ। जगह अच्छी है, रूम बहुत अच्छा है। चाय आए तब तक मैं आपको दिखा देता हूँ रूम। ये था जी हमारा रूम, था क्या अभी तो है, अभी थोड़ी देर में जाएंगे। टेविश अभी तक सो रहा है, ये रात को सोता भी जल्दी है और उठता भी लेट है। ये थोड़ा सा हमने सामान जो था ना रात को ऐसे का ऐसे ही रख दिया थकान के मारे, और वैसे अच्छा बना हुआ है लकड़ी का। यहाँ से जो है बेड से आपको सामने खिड़की लगा रखी है ताकि आप बाहर का व्यू देख सको। इस कमरे के साथ एक और कमरा है, सेम एज इट इज़ है, और यहाँ पे जी वाशरूम कॉमन है दोनों कमरों के लिए। तो ये मानिए कि रात को हम बिल्कुल एकांत में रुके हैं, आइसोलेशन में रुके हैं। पक्षियों की चहचहट तो सुबह सुनने को मिली है, रात को यहाँ पे नदी जो थी उसकी आवाज़ आ रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। ये आ रहा है जी निर्मग। ये पेड़ किस चीज़ का है निर्मग? ये चुल्ली का सर। चुल्ली जी सर। क्या होती है ये? खाने का होता है ये जो लगे हुए हैं, इसको बोलते हैं नेज़े यहाँ पे, और अपनी भाषा में लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं इसको चिलगोजे। चलिए आपको क्लोज व्यू भी दिखा देते हैं। तो जी हम इसको पेप्रिकोट के नाम से जानते हैं, यहाँ पे बोलते हैं चुली। वास्प होगी कोई उसका है, पर बहुत अलग बनाया हुआ है। बाहर एक कवरिंग दे रखी है शैल है, और फिर अंदर प्रोटेक्शन देने के बाद अंदर बनाया हुआ है मेन कंपाउंड। भाई जितनी वेदर कंडीशन या आर्स कंडीशन है उसके हिसाब से इंसेक्ट्स ने भी मॉडिफिकेशन कर लिया है। ओके जी, ऑलमोस्ट रेडी है। इस रूम की लोकेशन बड़ी इंटरेस्टिंग सी है, एक्चुअली जो मेन कंपाउंड है उससे थोड़ा पीछे आके है, अभी आपको दिखाता हूँ, शेयर करता हूँ। रग सा लग रहा था जब मैं पहली बार रूम को चेक करने आया ना शाम को देख के। यहाँ पे देखिए इन्होंने जो चीड़ के होते हैं ना ये फ्रूट से, ये स्टोर कर रखे हैं, ये एक्चुअली बहुत अच्छे जलते हैं। छोटा सा बगीचा लगा रखा है, एक ड्रम है ना, ड्रम क्या बड़ा टब है, उसके अंदर लगा रखे हैं पौधे। ये लग रहे हैं जी मटर, हर तरह की खेती कर रखी है मेरे हिसाब से, शायद ही मार्केट से कुछ लाते होंगे। ये है जी प्याज, और जो मैं रास्ता बता रहा था ना आपको, ये देखो ऐसे आना पड़ता है आपको आराम से। नीचे मैकेनिक शॉप है, ये आपके लिए बढ़िया अपडेट हो सकता है, कोई चेकअप कराना हो या कुछ छोटा मोटा काम कराना हो आप यहाँ करा सकते हैं। तो ये है जी शिव कुमार नेगी जी, और एज यूजुअल ये पेड प्रमोशन नहीं है, मैं अभी पेमेंट करी है अपने खाने की और रहने की, बट मैंने आपके रेफरेंस के लिए एक बार इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, कभी आप आते हैं रुकना चाहें तो आपका थोड़ा डिटेल रहे। 9805842118 हाईवे डबा। बाकी काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर रुक के, खाना भी बहुत अच्छा था। रात को हमने दाल फ्राई लिया था, बाकी वेज नॉन वेज दोनों अवेलेबल हैं। हालांकि मैं अल्टीट्यूड के ऊपर नॉन वेज प्रेफर नहीं करता, इसलिए मैंने लिया था, नहीं के तो इनका नॉन वेज भी पक्का ट्राई करता, और बाकी चीज़ चिली और ये वो आपको सब मिल जाएगा यहाँ पर। अच्छी प्रिपरेशन है, खाना भी टेस्टी था। मेन बात क्या है कि जो आटा था वो प्योर था, उसके अंदर ऐसा नहीं है कि मैदा वगैरह मिक्स था, तो मेरे को सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ वही चीज़ होती है। चलिए अब कंटिन्यू करते हैं जर्नी, पहले करते हैं कोल्ड स्टार्ट ऑफ गुरखा। कोल्ड स्टार्ट तो नहीं, यहाँ पे देखो ज़्यादा ठंड नहीं है, बाकी अब जर्नी को कंटिन्यू करते हैं, स्टे ट्यून्ड। चलिए जी अब करते हैं स्टार्ट, देखते हैं इंटर कितना लेती है। अभी मैं कट नहीं करता, देखते हैं, काफ़ी लंबा लेती है वैसे ये इंटर। ओह इस बार तो छोटा। चलिए
battery. तो आपने जिस तरह अभी देखा होगा कि वाइब्रेशन सी आई थी शुरू के अंदर, तो जब हम विंटर स्पीति में थे तब भी ये काफ़ी दिख रही थी हमें वाइब्रेशन जब आ रही थी, बट वैसे ये आज ठंड कम है तो इसलिए बस वो विद इन फ्रिक्शन ऑफ सेकंड ही रही और उसके बाद ठीक होगी। इवन जब -29 -30 पे थे तभी कम से कम मान के चलिए कि 1 मिनट के आसपास इतनी वाइब्रेशन इंजन में रही थी, यानी कि कोल्ड स्टार्ट के अंदर एक बार इंजन वाइब्रेट करता है, बाकी कोई इशू नहीं है। रीडिंग वगैरह सारी ओके हैं, कोई चेक एरर नहीं है, कुछ नहीं है। ग्लेशियर का बहुत अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ से, तो देखिए एक बार नदी और ग्लेशियर का कॉम्बिनेशन। पुरखा को ऐसे रोड के ऊपर ड्राइव करने का भी मज़ा अलग आता है, बैंड्स हो और क्लियर रोड हो ना, इसकी स्टेबिलिटी बहुत अच्छी लगती है मेरे को, तो चाहे कोई कुछ भी कहे बट मेरे एंगल से काफ़ी अच्छी स्टेबिलिटी है इसकी। अभी मैं क्रूज़ कर रहा हूँ और 90, आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ऐसी रोड के ऊपर 90 अगर मैं चला रहा हूँ तो कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा। स्पीति रिवर के साथ ही बसा है स्पिलो विलेज, जो आप देख पा रहे होंगे, मैं हल्का सा जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए जी, ये है स्पिलो विलेज, बोर्ड के अनुसार यहाँ से रह गए 1 किलोमीटर और बहुत ही अच्छी लोकेशन पे है। एक इस टाइप के येलो फ्लावर भी आपको काफ़ी देखने को मिलेंगे, और ये देखिए कमाल की बात है, पत्थरों में उगे हुए हैं घास भी और ये फूल भी, ये कैक्टस टाइप में है, जीरो फाइट्स बोलते हैं वैसे हम अपनी एग्रीकल्चर की भाषा में, जो ट्रांसपिरेशन कम करते हैं, तो ये भी यहाँ पर आपको बहुत मिलते हैं। पहाड़ों को काट के किस तरह से बनाया होगा मंदिर, मैं आपको एक और ऊपर का व्यू दिखाता हूँ। ओह हो, बहुत टफ रहा होगा भाई। ड्रिंकिंग वाटर भी है यहाँ पे, आप अगर खाली वाटर बॉटल हैं आपके पास यहाँ से आप रिफिल कर सकते हैं। संभल के चलाने वाली है ये, क्योंकि ऊपर से शूटिंग स्टोन का जो है वो हमेशा डर रहता है। बोर्ड भी लगाया है कई जगह द एंट्रेंस ऑफ पू, मैं थोड़ा पहले से भी रिकॉर्ड कर सकता था बट आर्मी एरिया है तो मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगा आर्मी एरिया को तो रिकॉर्ड, पहले यहाँ से डीजल रिफिल कराएंगे और फिर चलेंगे आके। पेट्रोल पम्प कितनी खूबसूरत जगह पर, साथ साथ डीजल या पेट्रोल डलवाइए और साथ साथ ग्लेशियर का इन्जॉय कीजिए। तो ऐसे फील्ड देखने को मिलेंगे, काफ़ी अलग सा लगता है कि चारों तरफ तो कोई वेजिटेशन नहीं है और बीच में ऐसे फील्ड बनाया हुआ है, विंटर स्पीति के दौरान ये देखने को नहीं मिल रहा था। यहाँ पे आपको जस्ट आपकी गाड़ी का नंबर, आपका फ़ोन नंबर, कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो और आपके पैसेंजर कितने हैं, ड्राइवर इंक्लूडिंग योर पैसेंजर, ये एंट्री करानी होती है, दैट्स ऑल और यू आर फ्री टू गो। टॉफी पॉइंट ठीक है, ओके वेलकम। ये बन गई है नदी और जहाँ पे कॉन्फ्लुएंस हो रहा है वो पॉइंट भी दिखाता हूँ आपको, ये है जी खाप ब्रिज जो आप दूर देख रहे हैं, वो देखिए तो खाप ब्रिज, और यहाँ पे संगम होता है दो नदियों का।
ग्लेशियर भी देखिए जी। यहाँ से ऊपर जाते जाते हम पहुँचेंगे नाको टॉप, फिर आएगा मलिंग नाला,